साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा लास्ट ईद मेकअप लुक 2018 का। सो इस मेकअप लुक में मैं यूज करने वाली हूँ 5 मेकअप प्रोडक्ट्स इन 10 मिनट्स। यस, और ये मेकअप लुक स्पेशली बिगनर्स और टीनेजर्स के लिए है। सो इस लुक को अचीव करने के लिए सिर्फ आपको 5 प्रोडक्ट्स और 10 मिनट्स चाहिए। सो आप ये मेकअप लुक अचीव कर सकते हो और आई होप कि टीनेजर्स और मेकअप बिगनर्स के लिए मेकअप लुक हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि ये मेकअप लुक आप कैसे अचीव कर सकते हो 5 प्रोडक्ट्स और 10 मिनट्स में, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ वो है ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। ये एज अ फाउंडेशन वर्क करेगी, एज अ कंसीलर और एज अ सनस्क्रीन। सो ये 3-in-1 का काम करेगी। सो इसे मैं यूज कर रही हूँ। आप अपनी कोई भी पसंद की बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम यूज कर सकते हो। और ये समर में हम मेकअप कर रहे हैं ईद का, तो मेक श्योर सनस्क्रीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यू नो 30 SPF की सनस्क्रीन आपको मिल रही है, इसलिए मैं यूज कर रही हूँ। और ये काफी परफेक्ट शेड भी है मेरी स्किन टोन के हिसाब से, और ये बहुत इजीली ब्लेंड भी हो जाती है। सो इसे अच्छे से अप्लाई करके अपने पूरे फेस पे एंड देन मैं ब्लेंड कर लूंगी। मैं बीबी क्रीम को अपनी अंडर आईज में और लिटिल बिट अपनी आईलिड्स पे अप्लाई करूंगी एज अ कंसीलर। उसके बाद सेम ब्रश की हेल्प से इसे मैं ब्लेंड कर लूंगी। सेकंड मेकअप प्रोडक्ट जो मैं यूज कर रही हूँ वो है ये मियोन का मेकअप किट। ये ऑलराउंडर मेकअप किट है। लाइक एक प्रोडक्ट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। इसमें आपको यहाँ पे काफी सारे आई शेडोज मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे मैट आई शेडोज, ब्राइट कलर्स, यू नो पार्टी वेयर कलर्स और शिमरी शेड सब कुछ। एंड जब आप इसे स्लाइड करोगे कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे यू नो 6 ब्लशेस मिल रहे हैं और कलर्स भी बहुत प्यारे हैं ब्लशेस के। मैट ब्लशेस भी हैं, शिमरी ब्लशेस भी हैं। देन आपको 2 कॉम्पैक्ट मिल रहे हैं, एक शिमरी और एक मैट जो कि काफी पिगमेंटेड हैं। देन आपको यहाँ पे 4 लिप ग्लॉसेस मिल रहे हैं, कुछ एप्लीकेटर्स हैं, एक मस्कारा है। आई थिंक मस्कारा तो वेस्ट है बट स्टिल। तो अगर आप यू नो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो तो आप ऐसे एक किट ले सकते हो जिसमें आपको काफी कुछ मिल जाता है। एंड दीज आर शेडोज, ब्लशेस आर सो पिगमेंटेड। ओके, सो इसलिए मैं ये पैलेट यूज कर रही हूँ। लाइक 1 प्रोडक्ट में आपको सब कुछ मिल रहा है तो इसलिए मैं यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम आई मेकअप करेंगे इससे। तो यहाँ पे मैं बहुत कम मेकअप टूल्स भी यूज करूंगी, लाइक मेकअप ब्रशेस। तो मैं एक एंगल ब्रश और स्कूली साइडेड 2-एंडेड ब्रश यूज कर रही हूँ। पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी। सो मैं यहाँ पे यू नो ये डार्क मैट कलर जो है मैट ब्राउन सा, इस शेड को ले रही हूँ और ये बहुत पिगमेंटेड है। और इसकी हेल्प से मैं अपनी ब्राउज को फिल करूंगी। सो आप देख सकते हो कि ये डार्क ब्राउन शेड कितना परफेक्टली मैच हो रहा है मेरे ब्राउज से। सो इसने मेरे ब्राउज को काफी अच्छे से फिल कर दिया। आई नो कि अभी भी मेरी ब्राउज बहुत ज्यादा ग्रूम नहीं लग रही हैं क्योंकि यू नो मैंने अभी थ्रेडिंग नहीं करवाई है। सो मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है इसीलिए। और ईद को 2 दिन रह गए हैं, शायद 1 दिन रह गया, तो मुझे करवानी है। मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करती हूँ कि मैं यू नो टाइम निकाल पाऊँ एंड देन उसके बाद जाऊँ थ्रेडिंग के लिए। सो एनीवेज, आईब्रो को फिल करने के बाद आपके ब्राउज ऑलमोस्ट काफी अच्छी ग्रूम लगती हैं। सो ये कलर काफी अच्छा है। इस तरीके के पैलेट से, मैट शेड से, मैट ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड से आप अपने ब्राउज को फिल कर सकते हो। सो यहाँ मैंने अपने ब्राउज को फिल कर लिया। नेक्स्ट मैं यू नो अप्लाई करूंगी आई शेडोज। सो इस पैलेट में आपको बहुत ब्यूटिफुल एंड ब्राइट कलर्स मिल रहे हैं। सो मेरी जो ड्रेस है वो पर्पल कलर में है। सो आई थॉट कि यू नो मुझे कुछ पर्पल पिंकी ऐसा लुक अचीव करना चाहिए, बट वो बहुत सटल होगा, बहुत ज्यादा ओवरपावर नहीं होगा। और मैं आपको ऐसी टेक्निक से बताऊंगी ताकि कोई भी हो जिसने मेकअप नहीं किया हो वो भी इस आई लुक को अचीव कर सकता है। बस यू नो आपको कलर्स चेंज करने हैं, जो भी आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर्स हैं वो कलर्स आपको अपने आईज में अप्लाई करने हैं। सो मैं यहाँ पे जो मैट पर्पल शेड आप देख रहे हो लास्ट में, वो शेड ले रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। और एक्सेस को आपको यू नो हमेशा टैप करके रिमूव कर देना चाहिए। एंड इसको आपको प्लेस करना है अपने आउटर वी पे डेप्थ देने के लिए। एंड देन आपको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इसे ब्लेंड करना है और इनवर्ड डायरेक्शन पे, ताकि आपका कलर बाहर ना जाए, सिर्फ आईज पे रहे। एंड जस्ट ब्लेंड इट। ब्लेंड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आई शेडोज पैची दिख सकते हैं।
उसके बाद सेम पैलेट में से मैं ये ब्यूटीफुल सा ऑरेंज गोल्डन कलर ले रही हूँ जो कि शिमरी शेड है, और आईलिड पे मैं शिमरी शेड अप्लाई करूंगी और एक फ्लैट ब्रश की, इस तरीके के फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई करूंगी। तो इस तरीके के ब्रश के साथ ये शिमरी शेड काफी अच्छे से अप्लाई होते हैं, इवन आप फिंगर की हेल्प से भी इसे अप्लाई कर सकते हो। और आपको सिंपली पैट करना है कुछ इस तरीके से, और आपको अपनी 1/3 आईलिड पे, ये इतनी आईलिड पे प्लेस करना है इस तरीके से। कलर को अप्लाई करने के बाद आप एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश ले लो और उसकी हेल्प से एजेस पे, ये है आपका क्रीज पे, आपको इस तरीके से ब्लेंड करना है ताकि आपका जो पर्पल कलर है और ये जो शेड है वो क्रीज पे डिपॉजिट ना होके अच्छे से ब्लेंडेड लगे, और साथ में जहां आपका आईलिड कलर खत्म हो रहा है वहां भी आपको हल्का हल्का ब्लेंड करना है एजेस को सॉफ्ट करने के लिए, एंड देन जस्ट ब्लेंड इट। उसके बाद सेम पैलेट में से मैं ये वाला मैट शेड ले रही हूँ कॉम्पैक्ट का, और उससे मैं अपने फेस को सेट कर लूंगी क्योंकि जो बीबी क्रीम है वो काफी शाइनी लग रही है फेस पे। सो मैट इफेक्ट के लिए और अपने फाउंडेशन या बीबी क्रीम को सेट करने के लिए आपको कॉम्पैक्ट की जरूरत है, उसकी हेल्प से मैं अच्छे से सेट कर लूंगी डैबिंग मोशन में। उसके बाद सेम पैलेट में से मैं ब्लश अप्लाई करूंगी और मैं ये लाइट पिंक शेड ले रही हूँ ब्लश के लिए जो कि मैट ब्लश है, और एक एंगल ब्रश की हेल्प से, और ये ब्लशेस बहुत ज्यादा पिगमेंटेड हैं, सो मैं बहुत लाइट हैंड से अप्लाई करूंगी। थर्ड प्रोडक्ट में यूज कर रही हूँ आईलाइनर, आप काजल भी यूज कर सकते हैं अगर आप काजल पर्सन है तो। मैं यहाँ पे शुगर का आई टोल्ड यू सो स्मच प्रूफ आईलाइनर यूज कर रही हूँ, और इसकी हेल्प से मैं बेसिक विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी। फोर्थ प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ मस्कारा, और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ शुगर का लैश बॉम लिमिटलेस मस्कारा अपनी आई मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए। सो मस्कारा को आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, आपको सिर्फ विगल करना है अपने लैशेज में मस्कारा, रख के इस तरीके से, एंड देन जस्ट विगल इट अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो भी प्रोडक्ट होगा मस्कारा का वो आपकी लैशेज पे अच्छे से अप्लाई हो जाता है। और अगर आपको उस तरह से कंफर्टेबल नहीं है देन अपनी आईज को सामने रखकर लैशेज को, एंड जस्ट अप्लाई इट, जो भी प्रोडक्ट होगा आपकी लैशेज पे आ जाएगा और आप डिफरेंस देख सकते हो। ये बहुत ही औसम मस्कारा है तो इसलिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप फॉल्स आई लैशेज नहीं लगाते हो या आपको नहीं पसंद तो आप कुछ इस तरीके का मस्कारा ट्राई करो, एंड देन यू विल रॉक इट। और इसको आपको सेम अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करना है अपनी आईज को थोड़ा सा नीचे रख के, ताकि आपके इस एरिया पे मस्कारा अप्लाई ना हो, लग ना जाए। उसके बाद सेम पैलेट में से मैं ये व्हाइट सिल्वर व्हाइट शेड और ये गोल्डन शेड मिक्स करूंगी और उसको मैं एज अ हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। लास्ट एंड जो फिफ्थ प्रोडक्ट में यूज कर रही हूँ वो ये स्टे करगी की लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड बिजी बीइंग हॉट 18। इट्स अ ब्यूटीफुल पिंकी पर्पल कलर। आपको ये मेरा लास्ट ईद मेकअप लुक यूजिंग 5 products in 10 minutes पसंद आया होगा, और ये वीडियो टीनेजर्स और मेकअप बिगनर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको पसंद आई हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, और आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ,
और आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे सोशल मीडियाज पे, उसके लिंक्स और सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और आप चेकआउट कर सकते हो मेरे सेकंड चैनल विच इज शाय स्टाइल्स ब्लॉग, जहां पे मैं ब्लॉग्स डालती हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।